है 30 जून और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं माइंडट्री स्कूल और आज कैंप का चौथा दिन है और अभी हम जाने वाले हैं चंडीगढ़ म्यूज़ियम विज़िट करने। तो बनाए रखिए चैनल के साथ प्यार और शेयर करते रहें, प्यार देते रहें, फिर मुलाकात होगी। दोस्तों आज है संडे और आज जाना है हम लोगों को चंडीगढ़, पर हमने यहाँ स्कूल में आकर थोड़ा बहुत काम शुरू किया। दुर्गेश यहाँ अपने काम में व्यस्त हैं, संजय अपने काम में व्यस्त हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे जहाँ रॉक गार्डन म्यूज़ियम हम विज़िट करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो के साथ प्यार देते रहिए। आप देख सकते हैं दुर्गेश के काम के कलर कितने ही एनर्जेटिक हैं और कितनी ही खूबसूरती से वो परत दर परत अपने रंगों को लगाते हुए। हम सभी अभी जा रहे हैं चंडीगढ़ म्यूज़ियम विज़िट करने, रॉक गार्डन विज़िट करने, और एक गाड़ी है, एक दूसरी गाड़ी है, तो बस हम पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में। देख सकते हैं रोड की चौड़ाई से ही आपको पता चल जाएगा चंडीगढ़ है। देखिए एक लेन है में साइकिल और दूसरी छोटी गाड़ियां चलने के लिए है, बाकी दूसरा लेन है पे बड़ी गाड़ियां चलने के लिए है, और मार्केट प्लेस व पेट्रोल पंप अब आपको इनके साइड मिलेंगे। वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है और यहाँ से हमें एंट्री करनी है। हम आपको भीड़ दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए पूरे यहाँ हर हैं, काफ़ी क्राउड है और बाकी सारे लोग हमें अभी दिख नहीं रहे हैं, पर ये रॉक गार्डन बहुत पहले का बना हुआ है, यहाँ से एंट्री है पीछे। बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ बाकी लोग आ चुके हैं और अभी और बाकी लोगों को हम ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी क्राउड है। वहाँ है टिकट काउंटर और दुर्गेश सर लाइन में खड़े होकर टिकट लेके आए। यहाँ वंदना 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 आते हुए रॉक गार्डन के अंदर और सारे लोग आपको जाते हुए यहाँ दिख रहे होंगे। और यही है रॉक गार्डन की खूबसूरती। तो जो भी चैनल पर नए हैं, हम चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। और ये इस तरह से ये एक भूल भुलैया है, नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, आप घूम सकते हैं, अब आपका लेस बांध ले नहीं तो गिर भी सकती हैं। दुर्घटना घटी। हाँ, और इस तरह के भूल भुलैया छोटे छोटे दरवाजे आपको हर कहीं मिलेंगे, आप कहीं भी बिना जानकारी के अंदर ना जाएं, अदरवाइज आप घूम सकते हैं। तो हम लोग ये गलती कर रहे हैं पीछे रहने की, भाई ये बिल्कुल मत करना गलती, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और इस गली से उस गली हो जाएंगे सब। और कृपया दीवारों पर ना लिखें, हम यहाँ लिखने थोड़ी आए हैं। नीचे उतरते हुए सारे कार और तीनों वंदना वाओ। और पीछे है, बहुत गर्मी बहुत है, और पीछे वो स्पॉट है जहाँ पे हम लोग बैठ के 2007 में फोटोग्राफ हमने लिया था, और पीछे एक वाटरफॉल आप देख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ वो जगह है जो आते हैं वो जगह, वो अंदर जाने का एक रास्ता है जहाँ पर नॉर्मल जो रॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आगे यहाँ जो है वो नो एंट्री है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप यहाँ फोटो खिंचवा सकते हैं। और
चलो खींचो एक जरा, अच्छा पोज। इधर इधर भी आ रहा है। तो बंद कर देना, जरूरत नहीं। हालांकि वो अपने आप रिकॉर्ड करता है। तो जबरदस्त, ये जबरदस्त रॉक के अंदर से होते हुए हम लोग सब गुजर रहे हैं। बहुत ही सकरा रास्ता है। और इधर आप देख सकते हैं, वहाँ काफी बदल चुका है पिछले 12-13 सालों में। उसे होते हुए हम वाटरफॉल के दूसरे साइड जा रहे हैं। और वो दूर काफी सारे हमारे गण जो आगे पहुंच चुके हैं, जिनको हमें ढूंढने में 20 मिनट लगेंगे। चलिए चलिए चलिए, निकल जाने दीजिए। वाटरफॉल ऑफ, फोटो की चिंता मत करना, इसमें क्या बोल, वीडियो के साथ साथ फोटो भी आ रहा है। चाहे तो यहाँ डुबकी भी लगा सकते हैं, लेकिन घुटने भर पानी है। ये है यहाँ का कैफेटेरिया और रॉक ही रॉक है, रॉक गार्डन में रॉक ही रॉक है। मंचूरियन की खुशबू आ रही है। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये वेस्ट और बेस्ट है। तो ये हम कैफेटेरिया में हैं अभी हाल फिलहाल। पीछे कैफेटेरिया है और सब लोग उस साइड गए हैं। हम अभी यहाँ हैं, एंट्री में वेट कर रहे हैं। तो ये इधर है डॉल म्यूजियम। आइए देखते हैं क्या है डॉल म्यूजियम में। वाह, तो जो वाटरफॉल आप वहां से देख रहे थे वो यहाँ है। नहीं, ये दूसरी जगह है और ये यहाँ है सबसे बड़ा वाटरफॉल, जो बहुत ही खूबसूरत है। पीछे आप लोग देख रहे हैं कि उस साइड है डॉल म्यूजियम और ये जो वाटरफॉल है यहाँ का सबसे बड़ा वाटरफॉल है। और हमारे जो साथी मित्र कलाकार हैं वो आगे जा चुके हैं, तो इसलिए हम जल्द से जल्द वहाँ पहुँचेंगे। वो जो आप देख रहे हैं उसके पीछे है डॉल म्यूजियम। ये जो है उस साइड से जाते हैं हम डॉल म्यूजियम, और इसको निकालने के लिए दूसरी जगह है, पर हम अब निकल रहे हैं यहाँ से। देख पा रहे हैं डॉल म्यूजियम, और ये सारे ही चारों ओर स्टोन से डॉल्स बने हुए हैं। और ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं संजय और दुर्गेश पीछे इंतज़ार करते हुए। ये काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम, काफ़ी बड़ा। और इस साइड ये काफ़ी सारे डॉल्स हैं। जो हम डॉल म्यूज़ियम की बात कर रहे थे वैसे यही है। और चूड़ियों के रॉ ट्रेल करके बनाया गया है। यहाँ से हम अब बाहर निकलेंगे और पीछे संजय। तो ऐसे छोटे छोटे दरवाजे हैं, झुक के निकलना होता है। कितना खूबसूरत है। और यहाँ दुर्गेश सर फोटो डॉक्यूमेंटेशन करते हुए चूड़ियाँ बनेंगे खूबसूरत।
एग्जिट पर हैं फाइनली। इधर क्या है? इधर एंट्री। और ये हम बाहर आ चुके हैं। दुर्गेश सर कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही सुंदर बनाया है, क्लीनिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, प्लान बहुत सुंदर है। और यहाँ पब्लिक बहुत ही नए मीडियम से, खासकर बेस्ट मटेरियल जो है उसको अच्छी तरह से यूज किया गया है, बहुत ही अच्छा लगा। तो वंदना, तीन वंदना में से एक वंदना कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कहाँ है बाकी? तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद।